मेरा सवाल था क्या, उम्रा के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे जमजम लेके आते हैं, लेकिन लिमिटेड है, रिश्तेदारों को देना पड़ता है वो जमजम में। क्या हम लोग दूसरा पानी, सादा पानी मिला के मिक्स करके ज्यादा लोगों को दे सकते हैं क्या बोल के? बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि जमजम के बारे में ये रिसर्च है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जमजम के पानी की अंदर बहुत सारे खासियतें हैं, ऐसी हैं जो दूसरे आम पानी के अंदर नहीं होती हैं। और ये चीज़ मतलब रिसर्च से साबित शुदा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस ज़माने में माशाल्लाह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारी चीज़ें जिसका इल्म हमें पहले नहीं था, अब उसका इल्म हो गया है। तो जमजम के पानी के अंदर बहुत सारी खासियतें हैं, उनमें से एक खासियत ये भी है कि अगर थोड़ा सा जमजम दूसरे पानी के अंदर मिला दिया जाए तो उस जमजम के जो फवायद, उसकी खासियतें हैं, वो उस दूसरे पानी के अंदर भी आ जाती हैं। ये बात साबितशुदा है। तो अगर आपके पास जमजम थोड़ा है, दूसरों को आप देना चाहती हैं, जाहिर है वो एक कीमती चीज़ है और जमजम की फजीलत आई है, वो मुतबर्रक चीज़ है, तो ज्यादा लोगों को आदमी देना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है उनको मौका नहीं मिलता है कि वो वहां जाएं या जमजम का पानी लाएं। तो अगर आप ज्यादा लोगों को देना चाहती हैं तो उसको ज्यादा पानी में मिला करके फिर उसको तकसीम करें। अच्छा शेख, इसी में एक सवाल मैं और ऐड कर रहा हूँ कि वहाँ की परमिशन सिर्फ 5 लीटर या थोड़ा सा जो भी एक मुतय्यन है वो है, लेकिन वहाँ से लोग चोरी करके, मतलब चोरी क्या, वो बैग में भर करके या एयरपोर्ट पे कुछ परमिशन लेकर के लोग लेके आते हैं जिसकी इजाजत नहीं है, क्या इसको लाना इस तरह से जायज होगा? देखिए, कई सारी चीजें हैं। एक तो जैसे जिस फ्लाइट से, जिस कंपनी की फ्लाइट से आप आ रही हैं, उसमें भी एक निजाम होता है जिसकी पाबंदी आपको करनी होती है। तो अगर उसकी पाबंदी आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है। अगर जहां से पानी आप भर रहे हैं, जहां से पानी आप हासिल कर रहे हैं, वहां पे भी एक निजाम होता है कि आप इतना ले सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो लिहाजा एक नेक काम करने के लिए गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। और आदमी अगर इस जज्बे से उस काम को छोड़ देगा कि ये गलत है, तो इंशाल्लाह इस पर भी उसको अज्र मिलेगा। तो जो वहां का निजाम है, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जाहिर है वो निजाम इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को आसानियां हो, तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। आप जब तक वहां होते हैं मक्का के अंदर या मदीना के अंदर, तब तक तो हरमैन के अंदर पानी के बहुत सारे का इंतजाम होता है, आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। लेकिन पानी वहां से मस्जिद के अंदर जो पानी रखा होता है उसको भर करके ले जाने की इजाजत नहीं होती है, या आप कह सकते हैं छोटा मोटा बोतल आपके पास है तो उसमें भर लेते हैं, उसको वहां के लोग मना भी नहीं करते हैं कि गोया कि उर्फन वो चीज जायज है, वहां के उर्फ में वो चीज जायज है कि छोटा मोटा बोतल आपके साथ है तो उसमें आप पीने के लिए भर लीजिए। तो अगर इस तरह लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। बस ख्याल रखें कि कोई ऐसा काम ना करें जो वहां के निजाम के खिलाफ हो, क्योंकि उसकी पाबंदी करना भी जरूरी है। अच्छा शेख, एक फायदे के लिए एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ। एक वो जी खाने काबा के अंदर ही वहां थोड़ा से दूर पे जा करके एक जगह से और लोग पानी ले आते हैं, लोगों का कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थूके थे, इस वजह से वो पानी बहुत बाबरकत है। जमजम के नहीं अलावा वो एक कुएं के पास बहुत ज्यादा लोग नहीं जाकर के भीड़ लगा करके ले आते हैं और उस पानी की बहुत अहमियत है लोगों के नजदीक। हाशिम भाई, मक्का और मदीना के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में खास तौर से हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर के जो लोग हैं, ऐसी ऐसी अफवाहें लोगों के अंदर मारूफ हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर वहां के मकामी लोगों से आप पूछेंगे तो उनको इल्म नहीं है उन जगहों के बारे में, उनको इल्म नहीं है कि ये इस जगह की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या जो है इसकी कोई तारीखी हैसियत है। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम वहां रहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहां किस जगह पर उन्होंने क्या किया, चंद ऐसी जगहें हैं जिसका इल्म है कि यहां पर उन्होंने ये किया, बाकी मारूफ नहीं है कि फला ही जगह एग्जैक्ट फला जगह है। तो लोगों ने बहुत सारी चीजें बना रखी है अपनी तरफ से, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, और ये बिदात का एक इससे दरवाजा खुलता है, बिदात का इससे एक दरवाजा खुलता है। अरे वहां मदीना के अंदर एक वादी है, अभी बात निकल आई है तो मैं बता रहा हूं, एक वादी है वहां पे जमीन के अंदर कोई कशिश है, दुनिया के अंदर वादिया ऐसी जिन, कई सारी, वादिया जिन हाँ, बोलते हैं। तो जमीन के अंदर एक कशिश है और साइंटिफिक अंदाज में उसको लोगों ने साबित भी किया है,
तो वहां पे अगर गाड़ी आप न्यूट्रल रखें तो गाड़ी तेज रफ्तार में भागेगी, यहां तक कि 100 से ज्यादा स्पीड में भी जाती है, वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर के आसपास है। उसको यहां के लोगों ने बरे सगीर के लोगों ने उसको वादिय जिन का नाम दे रखा है। जब पता किया गया तो पता चला कि लोगों का ये मानना है कि जब हम मदीना की तरफ जाते हैं वहां से तो गाड़ी हमारी भागती है, और जब अपोजिट सिम्त में जाते हैं तो नहीं भागती है, तो जो जिन है वो हमारी गाड़ी को जो है मदीना की तरफ धक्का देते हैं। इस तरह की अफवाहें जो है मशहूर है लोगों में, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और जाहिर है जिस तरह से खुराफात के पीछे हम लोग भागते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग, वहां के लोग ऐसे नहीं है। जहां के लोगों का अकीदा और दीन मजबूत होगा, इस तरह के खुराफात पर वो यकीन नहीं रखेंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को बहका देना, किसी बात पर यकीन दिला देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उस्तूरी जिंदगी जीते हैं। हर चीज में जो थोड़ी सी अजीब लगे इनको कोई मुजजा नजर आने लगता है। तो बहरहाल जो भी मक्का मदीना जाए हज और उमरा के लिए, उनको अपनी तवज्जो इस बात पर रखनी चाहिए कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हम करें, किसी बिदात और खुराफात के अंदर ना पड़े। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, उसको हम बताएंगे तो 2-3 एपिसोड लगेगा।